अमीर आदमी और भिखारी की कहानी। एक अमीर आदमी ने सड़क के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम्हारे पास ताकत और काबिलियत है, फिर भी तुम भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास कई महीनों से कोई काम नहीं है, अगर आप मुझे कोई नौकरी दे तो मैं तुरंत भीख मांगना छोड़ दूंगा। अमीर आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक बेहतर विचार है, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। भिखारी को यकीन नहीं हुआ, आप क्या कह रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? अमीर आदमी ने कहा, हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? फिर भिखारी ने पूछा, हम मुनाफा कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो मैं तैयार हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से कहा, मुझे मुनाफे का सिर्फ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा होगा, ताकि तुम अपनी जिंदगी सुधार सको। भिखारी ने खुशी से अपने घुटनों पर गिरकर अमीर आदमी का धन्यवाद किया। अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। वह मेहनत से काम करता रहा और जल्द ही उसकी बिक्री बढ़ने लगी। फिर वो दिन आया जब मुनाफा बांटना था। अब वह 10% भी भिखारी को ज्यादा लगने लगा। उसने सोचा, मैंने दिन रात मेहनत की है और उस अमीर आदमी ने सिर्फ मुझे अवसर दिया है, मैं उसे ये 10% क्यों दूं? जब अमीर आदमी मुनाफा लेने आया तो भिखारी ने बहाने बनाते हुए कहा, अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, कर्ज की अदायगी करनी है। अमीर आदमी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर भी तुम मेरा हिस्सा देने से क्यों टाल रहे हो? भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब सोचिए, अगर वो अमीर आदमी हम होते और हमें ऐसा जवाब मिलता तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह भगवान ने हमें जीवन दिया है, हमें ताकत, समझ, बोलने की क्षमता और हर वो चीज दी है जिससे हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने दिन का 10% भगवान के नाम पर समर्पित करते हैं? हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें ये जिंदगी और सब सुख सुविधाएं दी हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।